तो सो दोस्तों तैयार हैं दवाई छींचने के लिए। तो सफाया छींचने हैं खरपतनाशक जितने भी हमारे अनुवांशिक पौधा जगह दवाई लेने आए हुए हैं। देख सकते हैं दवाई भंडार लगा हुआ है, यहाँ जराब भी आए हुए हैं। दोस्तों फाइनली अब छींच चुका हूँ दवाई खरपतवार। देख सकते हो ये लोग घास बहुत जगह हुआ है खेत में, क्योंकि तो जिसको जिसको भी किसान भाइयों आप लोगों को दवाई चाहिए वो संपर्क करें भड़ौरा ग्राम भड़ौरा चंद्र कृषि दवाई दुकान भड़ौरा। तो दोस्तों कम बैक माई चैनल धर्म ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। जय श्री महाकाल। तो आप सभी को हमारे तरफ से धर्म फैमिली की तरफ से जगन्नाथ रथ यात्रा के आज शुभकामनाएं पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। सभी लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें भगवान जगन्नाथ जी, यही हम दुआ करते हैं भगवान जगन्नाथ जी से। तो करते हैं लेट स्टार्ट ब्लॉग को आज। तो इस प्रकार से कुछ सीन होने वाला है आज ब्लॉग, शुरुआत करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री महाकाल। लेट स्टार्ट तो ब्लॉग है हम लोग आज खरपतनाशक के लिए जो खेत में बहुत ज़्यादा अनुवांशिक पौधा उग गए उनको मारने के लिए आज सफाया लेने जा रहा हूँ दवाई। तो आज का ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। तो खेत में छिड़कने वाले हैं आज खरपतनाशक। तो इस प्रकार से कुछ सीन होने वाला है, दवाई लेने जाएंगे सर्वप्रथम, उसके बाद लाइक आऊँगा, उसके बाद खेतों में दवाई छिड़कने जाऊँगा ताकि बन जो अनुवांशिक पौधा है वो पूरी तरह से सफाया हो सके और हमारा जो फसल है वो अच्छे से अच्छे हो सके। तो बने रहना है, करते हैं लेट स्टार्ट, चलते हैं। दवाई दुकान आ गए हम लोग दवाई लेने के लिए हमारे ही गांव में। दवाई दुकान का नाम है मनमोहन चंद्रा दवाई दुकान भड़ौरा। तो इस प्रकार से कुछ सीन है। तो दोस्तों हम लोग आए हैं दवाई लगा दुकान हमारे ही गांव में, चंद्रा दी दुकान है दुकान। तो इस प्रकार से सफाया के लिए दवाई लेने आए हुए हैं, संपर्क करें यहाँ दवाई लेने के लिए। बिल बना रहे हैं। तो जिसको जिसको भी किसान भाइयों आप लोगों को दवाई चाहिए वो संपर्क करें भड़ौरा ग्राम भड़ौरा चंद्र कृषि दवाई दुकान भड़ौरा। तो सो दोस्तों तैयार हैं दवाई छींचने के लिए। तो सफाया छींचने हैं खरपतनाशक जितने भी हमारे अनुवांशिक पौधा जगह हुआ है उसको सफाया करने के लिए। तो करते हैं लेट स्टार्ट काम को। तो सो आ गए हैं दवाई भरने के लिए खेत में, छींचने के लिए दवाई सफाया। तो इस प्रकार से पानी भरने वाले हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो टंकी तैयार है और दवाई भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर पानी भरेंगे इस खेत में, उसके बाद छिड़कने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुछ सीन है आप लोगों को बताने वाला हूँ ये खेत में किस प्रकार से इतना सारा घास उगा हुआ है अनुवांशिक पौधा जो फसल के लिए हानिकारक होता है। तो करते हैं स्टार्ट काम को, बने रहना ब्लॉक में। पानी भरेंगे अब टंकी पर, उसके बाद दवाई, उसके बाद खेत में छिड़काव, करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों टंकी में दवाई भर लिया हूँ, अब छींचने वाला हूँ। तो खेत कंडीशन आप लोगों को बताने वाला हूँ, बंद किस तरह लगा हुआ है उसको। ऐसे कंडीशन है खेत का। तो अब करते हैं स्टार्ट दवाई छिड़कने कार्य, करते हैं स्टार्ट। तो ब्लॉग बने रहना, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना है। फाइनली अब यहाँ पर छींच चुके हैं, तीन टंकी लगा है छींचने का। तो इस प्रकार से कुछ सीन है, बहुत ज़्यादा बंद है, घास है, खरपतवार जो धान के लिए हानिकारक होता है, पहले भी बोल चुका हूँ। तो ब्लॉग कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल बनाए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो इस प्रकार से करते हैं कंटिन्यू, यहाँ से निकलते हैं दूसरे खेत में जाते हैं छींचने के लिए। तो लेट स्टार्ट गाइस। दोस्तों पानी भरने के लिए अब तालाब में आया हूँ, देख सकते हो, क्योंकि खेतों में बरसात नहीं हुआ तो पानी नहीं है, इसके लिए अब दवाई यहाँ पर भरूँगा। तो इस प्रकार से है नज़ारा। तो हमारे क्षेत्र में इसको डबरी बोला जाता है, देख सकते हैं। दोस्तों फाइनली अब छींच चुका हूँ दवाई खरपतवार। देख सकते हो ये लोग घास बहुत जगह हुआ है खेत में, क्योंकि बारिश ना होने के कारण बारिश बीच में रुक जाता है, तो इस प्रकार से घास बहुत जग जाता है। तो हमने खरपतवार सींच लिए हैं, अब देखते हैं कितने दिन में ये पूरा तरह से मर जाएगा। तो बरसात होती ही अब खेती स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ सीन है, और हमारे देखो गाय और बछड़ा शानदार खेतों में चर रहा है। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। तो इस प्रकार से ब्लॉग चाहिए तो किसान के बेटे के लिए तो एक लाइक बनता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है प्यारा से। तो इस प्रकार से कुछ सीन है, देख सकते हो सभी गाय माता बहुत सुंदर मन से चराई चर रहे हैं घास।
तो दोस्तों चलते हैं घर। दोस्तों फाइनली अब घर आ गए हैं काम कर कर, तो एक हफ्ते के बाद अंकुरण हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग कैसे रहा कमेंट बॉक्स में बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। दोस्तों इस उम्मीद के साथ ब्लॉग को यहीं पर अंत करते हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रहें, टेक केयर। तब तुम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।